डिजिटल इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने mAadhaar नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में जनसंख्या की जानकारी दी जाएगी, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, लिंग और घर का पता। इसी के साथ यूज़र के आधार नंबर से लिंक फ़ोटो भी इसमें मौजूद रहेगी। फिलहाल ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो अब अपना आधार कार्ड आप अपने मोबाइल में लेकर घूम सकते हैं। आपको हम बता दें mAadhaar से जुड़े 5 खास बातें। फर्स्ट, इस ऐप की मदद से यूज़र्स अपडेट रिक्वेस्ट डालकर अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। सेकंड, mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप अपने एरिया में मौजूद आधार एनरोलमेंट सेंटर जा सकते हैं। थर्ड, इसके अलावा ऐप में QR कोड सुविधा और पासवर्ड प्रोटेक्टेड EKYC डाटा जैसे कुछ एडिशनल फीचर भी मौजूद हैं। फोर्थ, इस ऐप में पर्सनल डेटा सुरक्षित रखने के लिए बायोमेट्रिक लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर है, साथ ही इसमें TOTP जनरेशन भी उपलब्ध है। फिफ्थ, इस ऐप का बीटा वर्जन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। टैक्स डिपार्टमेंट कुछ महीनों से आधार और पैन को लिंक करवाने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर रहा है।